हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फूड एंड फैशन टिप्स बाय रीनू अहलावत में। और आज हम बना रहे हैं मीठी पूरी। और मीठी पूरी के लिए हमने लिया है 2 कप आटा, कद्दूकस किया हुआ नारियल, 2 बड़े चम्मच घी, और ये लिया है हमने शरबत को हमने पहले ही तैयार कर लिया है, जिसमें हमने 1 कप मेजर किया है इस कप से, 1 कप पानी और 1 कप चीनी। और इन्हें शरबत को बनाते हुए हमने इसमें डाले थे 2 से 3 इलायची, जिससे हमारे पूरियों में अच्छी खुशबू आए। और हम स्टार्ट करते हैं पूरियों के लिए आटा बनाना। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे थोड़े से सौंफ, इन्हें हम क्रश करके भी डाल सकते हैं अगर कोई ऐसे ना खाए तो। और ये डालेंगे हम कद्दूकस किया हुआ नारियल और घी, इससे हमारी पूरियां बहुत ही सॉफ्ट नरम नरम बनेंगी। और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, अच्छे से इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये देखिए। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे, मीठी पूरी का मैदा हमें, आटा हमें थोड़ा टाइट बनाना है, ज्यादा पतला हम इसका आटा नहीं रखेंगे, थोड़ा टाइट, क्योंकि उससे ही हमारी पूरियां खस्ता खस्ता सी बहुत ही टेस्टी बनेंगी। हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐसे ऐसे डालते जाएंगे और हम आटा लगाते जाएंगे। आटा हमारा बन गया है, ये देखिए, हमने अच्छे से अपने आटे को मथकर अच्छे से आटा हमने बना लिया है। अब हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे, जिससे आटा हमारा फूल जाए। ये देखिए, ये शरबत हमारा बच गया है, इसे हम किसी और सामान में यूज कर लेंगे। और आटा हमारा हो गया है, इसे 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालकर इसे और अच्छे से मथ लेंगे, जिससे कि हमारी अच्छी अच्छी पूरियां बने। कढ़ाई में हमने तेल गरम करना रख दिया है और तब तक हम इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेते हैं। ये देखिए, ऐसे हम छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेंगे। और इन्हें गोल गोल करके रख लेते हैं, ऐसे पेड़े की तरह, बिल्कुल ऐसे। ये देखिए, तेल चेक कर लेते हैं, लोइयां हमारी बन गई हैं। तेल चेक कर लेते हैं कि गर्म हुआ है या नहीं हुआ है। और ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इनकी पूरी बेल लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें पूरियां छोड़ते जाएंगे, एक एक करके हम छोड़ देंगे। धीरे से हम इन्हें पलटते रहेंगे, देखिए ऐसे धीरे धीरे एक एक करके हम इन्हें पलटते रहेंगे। जब तक ये हमारी ब्राउन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इन्हें ऐसे ही तलेंगे। पूरी हमारी सीख रही है, देखिए ब्राउन हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। और ऐसे ही हम अपनी दूसरी जो जो पूरी हमारी ब्राउन होती जाएंगी, उन्हें हम निकालते जाएंगे और अगली छोड़ते रहेंगे। ये देखिए, ये देखो, ऐसे हमने दूसरी छोड़ दी है,
और हम इसे निकाल लेंगे। ये बाकी की बची हुई पूरी नहीं होती, इसमें ऐसे छोड़ देंगे। ऐसे धीरे से दबाते हुए, नीचे को दबाते हुए हम इन्हें अच्छे से फुला देंगे और पलटते रहेंगे और फुलाते रहेंगे ऐसे धीरे धीरे, हल्के हल्के हाथ ऐसे दबाते हुए, हल्के हल्के हाथ ऐसे दबाते हुए हम इन्हें फूलते फुलाते रहेंगे। देखो ये फूल रही है हमारी पूरी। और ये देखिए हमारी पूरियां सारी बन चुकी हैं। ये देखिए दोस्तों पूरी हमारी बनकर तैयार हैं और बहुत ही खस्ता और करारी हमारी पूरियां बनी हैं। आप इन्हें घर पर बनाकर जरूर देखें और अगर आपको इनकी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।